नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं, चीजी भी और इजी भी, तो ये चीज़ पनीर पॉकेट है। तो आइए आज आप लोग के साथ हम चीज़ पनीर पॉकेट बनाते हैं। तो पहले हम ले लेंगे एक बाउल में 250 ग्राम आटा, इसका अच्छा सा सॉफ्ट चपाती जैसा हम डो लगा लेंगे। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, एकदम ईजी से स्मूथ आटा लगा लेना है, जैसे हम चपाती का आटा लगाते हैं। उसके बाद फिर इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसका आगे का प्रोसेस हम करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मल लेंगे। मलने के बाद एकदम बढ़िया स्मूथ चपाती का डो हम बना लेंगे और फिर बनाएंगे। ये बनाने में बहुत ईजी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इसको हम बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो आटा का डो बना करके हम रख लिए हैं, हरी मिर्च काट लिए हैं बारीक, और फिर शिमला मिर्च को हम बारीक बारीक काट लिए हैं, प्याज को भी हम बारीक काट लेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती। बस इन्हीं 4-5 चीज़ों से बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बन करके रेडी हो जाएगा। इसे एक बार बना के आप खा लीजिएगा ना, तो फिर होटल और मार्केट से कोई भी चीज़ ला करके खाना भूल जाइएगा। उसके बाद फिर हम पनीर को क्रम्बल कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे, आपका जो इच्छा है वो कर सकते हैं। तो पनीर को हम क्रम्बल कर चुके हैं, उसमें शिमला मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती और हरी मिर्च हम मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, इसमें 1 टीस्पून हम डाले हैं काला नमक, उसके बाद फिर रेगुलर नमक और फिर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगैनो डाले हैं और फिर डाल करके हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसका चपाती बना करके उस पर इसको स्प्रेड करेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। तो धनिया पत्ता का हरी चटनी भी बना लेना है, तो अगर आप बना लेंगे तो सही है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी हम लिंक दे देंगे धनिया पत्ती का। तो बस उसी तरीके से बना करके उसमें स्प्रेड कर देना है। उसके बाद फिर इसके ऊपर हम जो मिक्सचर बना के रखे हैं ना पनीर का, वो डालेंगे। उसके बाद फिर चीज़ की बारिश कर देंगे, फिर पॉकेट बन करके रेडी है। तो फिर पॉकेट को आप खाइए, इंजॉय कीजिए और देखिए ये चीज़ का बारिश हो रहा है बूंदा बूंदी और फिर बरसात हो जाएगा, चीजी चीजी पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको सेक लेंगे, सेकने के बाद फिर हम सर्व करेंगे। खास करके बच्चों के लिए ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी। मेरे बच्चे तो इसको बहुत खाए। अगर आप टिफ़िन में भी देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, या तो शाम में चाय के साथ खाना चाहते हैं, या तो बच्चे को अगर भूख नहीं है खाने की तो फिर ये बना दीजिए, देखिए फिर कैसे भूख जाग जाता है, जाग जाता है। जितना भी आप बनाएंगे सब एकदम आपका तवे से ही भाग जाएगा, इधर उधर सर्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसको सॉस या फिर दही किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं बच्चे, जिस चीज़ के साथ इच्छा हो। तो देखिए पहले हम तवा को चेक किए हैं हल्का सा सूखे आटे के साथ। तो बिगनर्स के लिए यह स्टेप बहुत ही अच्छा है कि तवा को छू करके नहीं देखना होता है, थोड़ा सा सूखा आटा डाल दीजिए, ब्राउन हो जाए तो यानी तवा हिट है। उसके बाद फिर हम उस पर डाल दिए हैं पनीर पॉकेट और उसको दोनों तरीके से चपाती की तरह हल्का हल्का सेक लेंगे। उसके बाद बटर, घी, रिफाइंड ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी ऑयल के साथ आप इसको सेक सकते हैं और अच्छे से सेक लीजिए और उसके बाद देखिए कितना टेस्टी होता है। अगर ये मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी तो इतना ईजी और चीजी जो भी रेसिपी आएगा वो सब आप तक आराम से पहुँचेगा। और आप इसको अगर चाहें तो एक बार में 3-3, 4-4 पराठा जितना आपके तवे में स्पेस है आराम से आप सेक करके बना सकते हैं। देखिए अगर दिखे कि किनारा से थोड़ा कच्चा है तो चिमटे की सहारा से इसको ऐसे धीरे धीरे सेक भी सकते हैं, ऐसे कच्चा होता नहीं है, बिल्कुल फूल करके फ्लफी हो जाता है। लेकिन अगर आपको डाउट लगे तो इस तरीके से आप इसको सेक सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल एकदम देखिए गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी एकदम बन करके रेडी हुआ था। मेरे घर में तो सब बहुत पसंद से इस रेसिपी को खाते हैं, खास करके मेरे बच्चे बहुत लाइक करते हैं। तो गर्मियों के मौसम में अगर ज़्यादा कुछ नहीं बनाने का इच्छा है तो ये रेसिपी आप बनाइए और फिर सर्व कीजिए। देखिए आपके घर में सब कितना चॉइस से खाएंगे, उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे, आपको वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो मेरी गारंटी है इस प्रकार से इस रेसिपी को आप बनाइएगा, बिल्कुल अच्छा बनेगा, सभी आपका तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये देखिए कितना एकदम मस्त पूरे अंदर पनीर और शिमला मिर्च वगैरह का फीलिंग है, एकदम मस्त देखने में और खाने में भी लग रहा है। तो अगर आपके तवे में स्पेस है तो इसी प्रकार से 2-2, 3-3 एक एक बार में सेक सकते हैं और फिर बनाना खाना ईजी हो जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना उससे भी ईजी है, एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।